अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ रशियन कबाब की रेसिपी। तो इससे पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आइए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक कप बॉयल चिकन लेंगे। चिकन को मैंने नमक और काली मिर्च डाल के बॉयल कर लिया था। एक कप मैश किए हुए आलू लेंगे। आलू को भी मैंने बॉयल कर लिया था। 1 टेबलस्पून फ्रेश धनिया लेंगे। कटी हुई शिमला मिर्च लेंगे। कटी हुई गाजर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। एक चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। एक चम्मच काली मिर्च ऐड करेंगे। एक चम्मच नमक ऐड करके इसे अच्छे से दोबारा से मिक्स कर लेंगे। एक चम्मच सोया सॉस ऐड करेंगे। एक चम्मच चिली सॉस ऐड करेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी तो सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसके कबाब बना लूँगी। जी तो कबाब बन गए हैं। अब मैं एक अंडा लूंगी और इसे अच्छे से बीट कर लूंगी। हम कबाब की कोटिंग कर लेंगे एग और ब्रेड क्रम्स के साथ। पहले मैं एग में डिप करूंगी, उसके बाद मैं ब्रेड क्रम्स लगाऊंगी इसे। कबाब की कोटिंग हो गई है। अब मैं इसे फ्राई कर लूँगी। एक पैन लेंगे, ऑयल गरम कर लेंगे। ऑयल गरम हो गया है। अब मैं इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करूँगी। कबाब को हम डीप फ्राई करेंगे। तो गोल्डन कलर आने तक हम इसे फ्राई करेंगे। इसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। अब दोबारा से मैं इसके साइड चेंज करूंगी। जी तो ये देखें कितना प्यारा कलर आ गया है दोनों तरफ। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। मज़ेदार रशियन कबाब हमारे रेडी हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करके इसकी पिक्चर मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।